Assalamu alaikum, this is Muhammad Karar Hussain and you are watching Karar Hussain YouTube channel. इस वीडियो में आपके लिए दो बड़ी कंपनीज की तरफ से दो वॉक इन इंटरव्यूज लेकर आया हूँ. सबसे अच्छी बात, 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट कोई भी यहाँ पर वॉक इन कर सकते हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेली परफॉर्मेंस में होने जा रहा है वॉक इन इंटरव्यू. रोल रहेगा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बैंगलोर लोकेशन के लिए. प्रीवियस वीडियोस में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट कह रहे थे सर कोई बैंगलोर लोकेशन की जॉब लेकर आइए. इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ. आपका एक्सपीरियंस 0 से लेकर 1 साल के बीच होना चाहिए, ठीक है. क्वालिफिकेशन की बात करें, 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. सैलरी 15,000 रुपीज़ टेक होम. लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड यहाँ पर आपको इंग्लिश के साथ तेलुगू और इंग्लिश के साथ कनाडा लैंग्वेज आनी चाहिए एंड इट्स वर्क फ्रॉम ऑफिस, ठीक है. यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए डे शिफ्ट रहेंगे, मेल कैंडिडेट्स के लिए रोटेशनल शिफ्ट रहेंगे. वॉक इन करने का वॉक इन एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसके वॉक इन होने जा रहा है आज 26 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर, ठीक है. कमिंग टू द सेकेंड ओपनिंग, इन टच CX में होने जा रहा है वॉक इन. यहाँ पर हायर कर रहे हैं वॉइस एंड नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए. हैदराबाद लोकेशन, अगर आप वॉइस के लिए इंटरेस्टेड है तो वॉइस के लिए अप्लाई कीजिए, अगर आप नॉन वॉइस के लिए इंटरेस्टेड है तो नॉन वॉइस के लिए अप्लाई कीजिए. यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनटू टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है. आपको कम्युनिकेशन एक्सेलेंट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरनेशनल कस्टमर के टेक्निकल क्वेरीज को सॉल्व करना है, ठीक है. 12th पास, डिप्लोमा, ग्रेजुएट कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एंड इट्स वर्क फ्रॉम ऑफिस. रोटेशनल शिफ्ट रहेंगे. वॉक इन करने का वॉक इन एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसका वॉक इन होने जा रहा है कल 27 सितंबर से लेके 30 सितंबर. फ्रेशर्स भी यहां पर वॉक इन कर सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन एक्सेलेंट है तो, ठीक है. वॉक इन करने के वॉक इन एड्रेसेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके. अल्लाह हाफिज़.